दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान से काठमांडू कॉल लगाता है और बोलता है ये 5 लोग हैं, इनका सिक्योरिटी चेक क्लियर करवाना है, वो भी बिना कुछ पूछे। इंडियन इंटेलिजेंस नेपाल में ये मैसेज इंटरसेप्ट कर लेती है और उनको पता लग जाता है कि इंडियन प्लेन को हाईजैक करने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन कब और कौन सा प्लेन ये नहीं पता था। इंडियन इंटेलिजेंस काठमांडू में रॉ ऑपरेट करता है। शशि भूषण तुमार रॉ के सीनियर ऑफिसर को जब ये इंटरसेप्टेड मैसेज के बारे में पता लगता है तो वो रॉ के दिल्ली हेडक्वार्टर्स में ये मैसेज को नहीं पहुंचाते, ये सोच के कि ये बस गुमराह करने की कोशिश है और असल में प्लान कुछ और है। अब प्लेन हाईजैक हो चुका है और हाईजैकर चाहते थे कि प्लेन पाकिस्तान के लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करे। अब प्लेन में 15 मिनट का फ्यूल बचा है। कैप्टन देवी शरण पाकिस्तान ATC से लैंडिंग की परमिशन मांगते हैं, लेकिन पाकिस्तान लैंडिंग की परमिशन नहीं देता, साथ साथ वो रनवे की लाइट्स भी ऑफ कर देते हैं, साथ में नेविगेशन एड्स भी बंद कर देते हैं। अब प्लेन में फ्यूल बिल्कुल लो हो चुका है, प्लेन कभी भी क्रैश कर सकता है। कैप्टन देवी शरण प्लेन को नीचे लेके जाना स्टार्ट करते हैं और उन्हें कुछ लाइट्स दिखती हैं। कैप्टन को लगता है कि ये रनवे की लाइट्स हैं, लेकिन जैसे ही वो और क्लोज जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो रनवे की लाइट्स नहीं लेकिन हाईवे पे चलती हुई गाड़ियों और बाइक्स की लाइट्स होती हैं। प्लेन में बैठे हुए लोगों को नहीं पता था कि ये 1.5 घंटे का सफर उनकी जिंदगी का सबसे लंबा सफर होने वाला है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814। इंडियन एयरलाइंस IC 814 काठमांडू से दिल्ली रवाना होने के लिए तैयार थी। 4 हफ्ते पहले इस फ्लाइट की 5 टिकट ली जाती हैं, 2 बिजनेस क्लास और 3 इकोनॉमी क्लास। 5 टिकटों पे फेक IDs यूज की जाती है। सिक्योरिटी चेक स्टार्ट होता है, वो 5 लोग अपने बैग में गन्स के साथ एक एक करके सिक्योरिटी चेक क्लियर करते हैं। प्लेन में टोटल 178 पैसेंजर्स होते हैं। 4 बजे फ्लाइट उड़ती है और फ्लाइट जैसे ही इंडियन एयर स्पेस में एंटर करती है वैसे ही एक हाईजैकर जो बिजनेस क्लास में बैठा था वो उठता है और फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा को पकड़ता है और बोलता है कि मेरे पास बॉम्ब है और ये फ्लाइट हाईजैक कर ली गई है, अब मैं जैसा कहूँगा वैसा करो वरना एक एक करके मैं सारे पैसेंजर्स को मार दूंगा। इकोनॉमी क्लास में भी हाईजैकर सेम चीज करते हैं और एक दूसरे को कोड नेम से बुलाते हैं, चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला एंड शंकर। हाईजैकर चीफ अनिल शर्मा को कॉकपिट तक ले जाने का ऑर्डर देता है। कॉकपिट में पहुंच के उन्हें मिलते हैं कैप्टन देवी शरण। देवी शरण को हाईजैकर ऑर्डर देते हैं कि प्लेन की डायरेक्शन टूवर्ड्स वेस्ट पाकिस्तान की ओर की जाए। हाईजैकर चाहते थे कि प्लेन को लाहौर इंटरनेशनल उतारा जाए। कैप्टन देवी शरण हाईजैकर्स को बोलते हैं कि प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि वो डायरेक्टली लाहौर लेके जाया जा सके। कैप्टन देवी शरण हाईजैकर्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि प्लेन को लाहौर की बजाय हम मुंबई लेके चलते हैं, वहां से रिफ्यूलिंग करके लाहौर लेके जाएंगे। लेकिन हाईजैकर्स अपना होमवर्क करके आए होते हैं, उन्हें पता होता है कि अगर प्लेन मुंबई तक जा सकता है तो वो लाहौर भी जा सकता है। कैप्टन देवी शरण हाईजैकर्स की नजरों से बचते हुए ट्रांसपोंडर कोड को 7500 पे सेट कर देते हैं जो कि एक हाईजैक कोड होता है। इससे इंडियन ATC को पता लग जाता है कि IC 814 हाईजैक हो चुकी है। 4:40 PM प्लेन अपनी डायरेक्शन चेंज करके लाहौर की तरफ बढ़ना शुरू करता है। हाईजैकर्स कैप्टन देवी शरण को दिल्ली ATC से कोई भी कांटेक्ट करने नहीं देती। अभी तक ना ही इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो और ना ही रॉ को यह खबर मिलती है कि IC 814 हाईजैक हो चुकी है। कैप्टन देवी शरण टाइम बाय करने के लिए प्लेन की स्पीड स्लो कर देते हैं ताकि जितना टाइम हो सके उतना टाइम प्लेन इंडियन एयर स्पेस में रहे। अब प्लेन पंजाब के ऊपर है और लाहौर पहुंचने वाला है। कैप्टन देवी शरण लाहौर ATC से कॉन्टैक्ट करके लैंडिंग की परमिशन मांगते हैं, लेकिन पाकिस्तान लैंडिंग की परमिशन नहीं देता और लाहौर के एयर स्पेस को लॉक कर देता है। टाइम बीतता जाता है और अब फ्यूल लो होने लगा था। अमृतसर का एयरपोर्ट पास होता है, लेकिन हाईजैकर्स नहीं चाहते थे कि इंडियन हाईजैक्ड प्लेन इंडिया में ही लैंड हो। कैप्टन देवी शरण अमृतसर ATC से कॉन्टैक्ट करके बोलते हैं कि लाहौर ATC से कॉन्टैक्ट किया जाए और उनसे लैंडिंग की परमिशन मांगी जाए, वरना हाईजैकर्स एक एक करके पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे। लाहौर ATC से कोई जवाब नहीं आता।
कैप्टन देवी शरण हाईजैकर्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि प्लेन को अमृतसर लैंड कराने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और फ्यूल भी लो हो चुका है, तो या तो प्लेन अमृतसर एयरपोर्ट पे लैंड होगा या फिर क्रैश होगा और सब मारे जाएंगे। तो ये सुन के हाईजैकर्स कन्विंस्ड हो जाते हैं कि ठीक है, अमृतसर एयरपोर्ट पे हम इस प्लेन को लैंड कराते हैं, वहां से हम रिफ्यूलिंग करेंगे और फिर चल पड़ेंगे। 6:44 PM प्लेन अमृतसर के राजा सांसी एयरपोर्ट पे लैंड किया जाता है। कैप्टन को लगता है कि ये इंडिया की जीत है क्योंकि इंडियन हाईजैक प्लेन इंडिया में ही लैंड होता है और उन्हें लगता है कि अब इंडियन फोर्सेस आके पैसेंजर्स को फ्री करा लेंगे। लेकिन आगे जो होता है वो इंडियन एयरलाइंस की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। अमृतसर ATC को दिल्ली से ऑर्डर आता है कि प्लेन की रिफ्यूलिंग में डिले किया जाए जितना पॉसिबल हो उतना, और साथ में पंजाब पुलिस को भी इन्वॉल्व ना करा जाए जब तक इंडियन कमांडोज दिल्ली से ना आ जाएं। लेकिन NSG कमांडोज अभी भी अमृतसर से 500 किलोमीटर दूर दिल्ली में होते हैं। हाईजैक को पता लगे 2 घंटे हो चुके थे लेकिन अभी भी टीम दिल्ली में क्या कर रही थी, कुछ तो या फिर कोई तो उन्हें रोक रहा था। यहाँ हाईजैकर्स फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि अगर अब रिफ्यूलिंग नहीं की गई तो वो एक एक करके पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे। तो दिल्ली से अमृतसर ATC को ऑर्डर आता है कि प्लेन को रिफ्यूल किया जाए, लेकिन उस रिफ्यूलिंग ट्रक के साथ पंजाब कमांडोज को भी भेजा जाए। अब ट्रक प्लेन की ओर बढ़ रहा है लेकिन ट्रक की स्पीड तेज होती है और ATC को लगता है कि इतनी तेज स्पीड से जिस स्पीड से ट्रक चल रहा है इससे हाईजैकर्स को शक हो जाएगा, तो वो ATC ड्राइवर को इंस्ट्रक्ट करती है कि स्पीड स्लो की जाए। लेकिन ड्राइवर को कंफ्यूजन होती है और वो ट्रक को बीच रनवे में ही रोक देता है। हाईजैकर्स ट्रक को रुका देख समझ जाते हैं कि ये प्लेन को अटैक करने की कोशिश है और वो कैप्टन देवी शरण को ऑर्डर देते हैं कि प्लेन को जल्द से जल्द टेक ऑफ करा जाए। लेकिन यहाँ पे कैप्टन देवी शरण मना कर देते हैं। गुस्से में आकर हाईजैकर कोड नेम डॉक्टर बिजनेस क्लास में जाते हैं जहाँ पे एक पैसेंजर रूबिन कतियाल 25 वर्षीय जो हनीमून मना के आ रहे होते हैं उन्हें नाइफ से स्टैब कर देते हैं। वहाँ कॉकपिट में चीफ हाईजैकर काउंटडाउन शुरू करते हैं कि अगर अब प्लेन को नहीं उड़ाया गया तो और पैसेंजर्स मरेंगे। तो यहाँ पे कैप्टन देवी शरण के पास और कोई चॉइस नहीं होती और वो ATC को कॉन्टैक्ट करके बोलते हैं कि हम अब टेक ऑफ कर रहे हैं वरना हाईजैकर्स हम सबको मार देंगे। आपको याद होगा शशि भूषण तुमार, जिसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जिनको हाईजैक का इंटरसेप्टेड मैसेज मिला था, किस्मत की बात है वो भी इस प्लेन में होते हैं। शशि भूषण तुमार NK सिंह के सिस्टर से मैरिड होते हैं। NK सिंह इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के सेक्रेटरी होते हैं। ये NK सिंह ही होते हैं जिनकी वजह से कमांडोज टाइम से अमृतसर नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी रिस्क लिया जाए। अब प्लेन पाकिस्तान टेरिटरी एंटर कर चुका था और उनको ऑर्डर्स आते हैं कि अगर प्लेन ने डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं की तो इस प्लेन को मार गिराया जाएगा। लेकिन कैप्टन देवी शरण ATC को कॉन्टैक्ट करके बोलते हैं कि दे डोंट हैव एनी ऑप्शन लेफ्ट। लो फ्यूल वार्निंग कॉन्टिन्यूसली शो हो रही थी, पाकिस्तान ने रनवे की लाइट्स, नेविगेशन एड्स सब बंद कर दिया था, लेकिन कैप्टन देवी शरण के पास लैंड कराने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो प्लेन को स्लोली स्लोली नीचे ले जाना स्टार्ट करते हैं और उन्हें कुछ लाइट्स दिखती हैं, उन्हें लगता है वो रनवे की लाइट्स हैं। लेकिन जैसे ही वो और क्लोज जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो रनवे की नहीं, हाईवे पे चलती हुई गाड़ियों और बाइक्स की लाइट्स होती हैं। अब प्लेन पाकिस्तान के हाईवे पे लैंड होने वाला था। फॉर द लास्ट टाइम कैप्टन ATC को कॉन्टैक्ट करके बोलते हैं कि वो प्लेन हाईवे पे लैंड होने जा रहा है और क्रैश हो जाएगा। ये सुन के पाकिस्तान रनवे की लाइट्स को और नेविगेशन एड्स को वापस से ऑन कर देते हैं और 8 बजे प्लेन लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड होता है। प्लेन को पाकिस्तानी कमांडोज घेर लेते हैं और कैप्टन पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लेन में बैठे हुए बच्चे, औरतों और इंजर्ड पैसेंजर को उतारा जाए। लेकिन पाकिस्तान बोलती है कि हमें इस हाईजैकिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो बस रिफ्यूलिंग करेंगे। 3 घंटे बाद 11 बजे प्लेन फिर से टेक ऑफ करता है और यहाँ पे इंडिया में पैसेंजर्स की फैमिली पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं जब उन्हें पता लगता है कि प्लेन में बैठे हुए पैसेंजर्स को हाईजैकर्स मार रहे हैं। हाईजैकर्स कैप्टन को प्लेन को काबुल अफगानिस्तान लैंड कराने का ऑर्डर देते हैं,
लेकिन उस टाइम पे अफगानिस्तान में रात को लैंडिंग पॉसिबल नहीं होती है, तो प्लेन को हाईजैकर्स ओमान ले जाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन ओमान ATC प्लेन को लैंडिंग की परमिशन नहीं देती है। तो फिर फाइनली हाईजैकर्स प्लेन को UAE लेके जाने का ऑर्डर देते हैं। UAE लैंडिंग की परमिशन दे देती है अल मिनाद एयरफोर्स बेस पे, और रात को 3 बजे प्लेन वहां लैंड होता है। इंडियन अथॉरिटीज जो अमृतसर में एक्शन ना ले पाने की वजह से फेल हो चुकी थी, वो UAE को कॉन्टैक्ट करते हैं और बोलते हैं हम अपने कमांडोज को वहां भेज देते हैं, लेकिन UAE मना कर देती है कि हम अपनी फील्ड पे कोई भी कमांडोज बाहर देश से नहीं आने देंगे। लेकिन UAE कुछ पैसेंजर्स को रिहा करने का नेगोशिएशन कर लेती है अलॉन्ग विद द बॉडी ऑफ रूबिन कतियाल इन एक्सचेंज फॉर फ्यूल। रचना कतियाल जो बाकी फीमेल पैसेंजर्स के साथ प्लेन में बैठी हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके हस्बैंड अब नहीं रहे। अब प्लेन फिर से टेक ऑफ करता है फॉर इट्स फाइनल डेस्टिनेशन कंधार एयरपोर्ट अफगानिस्तान। अगले 5 दिन यहीं बीतने वाले थे। तब अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल था। प्लेन लैंड होते ही तालिबान ने प्लेन को हर तरफ से घेर लिया था विद गन्स एंड टैंक्स। इंडियन गवर्नमेंट को पता था कि तालिबान एंड पाकिस्तान ISI आर इन दिस टुगेदर। अब प्लेन में पैसेंजर्स के लिए ना ही खाना बचा है और टॉयलेट्स भी ओवरफ्लो होना शुरू कर चुके हैं। दिन पे दिन बीतते गए और इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ता गया। 27 दिसंबर इंडिया की नेगोशिएशन टीम अफगानिस्तान लैंड करती है। उस नेगोशिएशन टीम में इंडिया के ब्लैक कैट कमांडोज भी होते हैं और इसके बारे में तालिबान को भी खबर नहीं होती। 2 दिन की नेगोशिएशन के बाद हाईजैकर्स अपनी डिमांड रखते हैं, पैसेंजर्स को रिहा करने के एक्सचेंज में 3 टेररिस्ट की रिहाई। पहला मौलाना मसूद अजहर, फाउंडर ऑफ हरकत उल मुजाहिदीन। दूसरा अहमद उमर सईद शेख, ब्रिटिश सिटीजन एंड फॉलोअर ऑफ मौलाना मसूद अजहर। तीसरा मुश्ताक अहमद जरगार, चीफ कमांडर ऑफ अल उमर मुजाहिदीन। इन टेररिस्ट को अलग अलग जेलों से दिल्ली लाया जाता है और वहां से अफगानिस्तान लेके जाया जाता है। 31 दिसंबर फाइनली पैसेंजर्स को रिहा किया जाता है। इंडिया तालिबान से एक्सपेक्ट करती है कि वो उन हाईजैकर्स को अरेस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तालिबान उन 5 हाईजैकर्स को पाकिस्तान बॉर्डर लेके जाती है और वहां से वो पाकिस्तान चले जाते हैं। मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान पहुंच के जैश ए मोहम्मद ग्रुप बनाता है और फिर वो 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक करता है। उमर शेख को 2002 में अरेस्ट कर लिया जाता है डैनियल पर्ल के खून में, और उमर शेख का US के 9/11 अटैक में भी हाथ होता है। मुश्ताक अहमद जरगार आज भी मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा है पाकिस्तान में। आपको क्या लगता है कि इंडिया की ये अप्रोच हाईजैकिंग में सही थी, या फिर कोई और मेजर्स भी लिए जा सकते थे जिससे ये इतनी लंबी हाईजैकिंग को रोका जा सकता था? अपने व्यूज कमेंट्स में मुझे बताओ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।